नाज़रीन, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में नदीम फारूक पराचा राइटर हैं, दानिश्वर हैं, मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में अदब और सकाफत का, क्या कहें? नहीं, खुशी की हमेशा जब भी होता है, चाहे वो कराची में हो, चाहे लाहौर में हो, अब तो बलूचिस्तान में, क्वेटा सिटी वगैरह में भी हो रहा है, तो हमेशा खुशी होती है। डिबेट्स होती हैं, स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि बहुत यंग लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्म्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, सीखते हैं। ऐसा माहौल हमारे हर यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है, तो वो माहौल उनको यहाँ मिलता है जो खुल के वो बात कर सकें और सवाल पूछ सकें और सीख सकें, खुशी होती है। अच्छा, इस इवेंट में कोई 50 के करीब जो है वो इंटरनेशनल वफूद शरीक हो रहे हैं, 10 से ज़्यादा ममालिक के लोग हैं, तो ये एक पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज भी बनेगा? यार, पाकिस्तान का देखें बिल्कुल बनना चाहिए, देखें ना, ये तो ऑस्ट्रेलिया टीम भी अब आई तो इमेज तो क्रिएट होगा ना एक, तो डेफिनेटली हम बड़े आइसोलेट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली अपनी पॉलिसियों की वजह से, हमने पता नहीं क्या समझ बैठे थे हम क्या हैं और हम दूर होते गए दुनिया से। अब तो दुनिया बिल्कुल ही जुड़ी हुई है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, और जाहिर है चाहे वो इवन इंटेलेक्चुअल थॉट हो, इंटरनेशनल हो गई हर चीज़, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का इमेज होगा दैट इट कैन होस्ट सो मेनी इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पॉजिटिव है और हमें भी कुछ मिलने को सीखता है, बिकॉज वो अपनी थॉट्स के साथ आते हैं और हमें समझ आती है कि वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल है, स्कॉलर है, एकेडमिक है, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है, तो हम उनसे सीखते हैं फिर।